पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत अपने पड़ोसी देश से सिंधु जल समझौता तोड़ सकता है। विदेश मंत्रालय ने इसके संकेत दिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने इस जल समझौते पर कहा कि किसी भी समझौते के दो देशों में आपसी भरोसा और सहयोग होना जरूरी है, यह एक तरफा नहीं हो सकता। फॉर एनी सच ट्रीटी टू वर्क इट इज इम्पोर्टेंट दैट आफ्टर ऑल द ट्रीटी इज द प्रीएम्बल ऑफ द ट्रीटी इटसेल्फ सेज इट्स बेस्ड ऑन गुडविल। सो फॉर सच अ ट्रीटी टू वर्क इट इज इम्पोर्टेंट दैट देयर मस्ट बी म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन बोथ द साइड्स। इट कैन नॉट बी अ वन साइडेड अफेयर। उरी हमले के बाद पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई के सवाल पर स्वरूप ने कहा कि हमारा काम अपने आप बोलता है और हमारे एक्शन से नतीजे आने शुरू हो गए हैं। विकास स्वरूप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसी भी देश ने कश्मीर के मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन नवाज शरीफ के भाषण का 80% कश्मीर पर केंद्रित था। The onus is now squarely on Pakistan to act against terrorist groups and entities who find safe havens and all types of support in Pakistan and indulge in cross-border terrorism against its neighbors, not just India. Pakistan must dismantle the infrastructure of terrorism if it has to be seen as a responsible member of the Committee of Nations. After all, Pakistan's hand has been seen in a number of terror attacks all around the world, including the most recent one in New York. So we hope that increasingly the international community will continue to see the validity of ensuring that Pakistan is made to stop its state sponsorship of terrorism. क्या है सिंधु जल समझौता? सिंधु नदी संधि को आधुनिक विश्व के इतिहास का सबसे उदार जल बंटवारा माना जाता है। इसके तहत पाकिस्तान को 80.52% पानी यानी 167.2 अरब घन मीटर पानी सालाना दिया जाता है। 1960 में हुए सिंधु समझौते के तहत उत्तर और दक्षिण को बांटने वाली एक रेखा तय की गई है, जिसके तहत सिंधु क्षेत्र में आने वाली 3 नदियों का नियंत्रण भारत और 3 का पाकिस्तान को दिया गया है। अब ऐसे में ये तय है कि अगर भारत ने सिंधु समझौते को तोड़ दिया तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। पाकिस्तान में खेती के लिए इसी नदी पर निर्भर हैं किसान और कई पावर प्लांट इसी नदी के सहारे चल रहे हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।